हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनगुन। वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो इसे अपने घर में आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं छोले बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। छोले बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम चने जो मैंने रात भर भिगो लिए थे, 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 इंच अदरक लंबी कटी हुई, 10 से 12 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, धनिया पत्ता गार्निश के लिए, 2 लाल सूखी मिर्च, 2 इंच दालचीनी, 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच छोले मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। अब हम चने को उबाल लेंगे। तो सबसे पहले हम कुकर में चने डाल लेंगे। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे आधा छोटा चम्मच, नमक डालेंगे 1 छोटा चम्मच। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब हम फ्लेम चलाकर कुकर को चूल्हे के ऊपर रख देंगे और छोले को हम 4 से 5 विसल आने तक उबाल लेंगे। अब हम आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम सबसे पहले पैन गरम कर लेंगे। पैन को गरम होने देंगे। अब उसमें हम तेल डालेंगे। तेल को भी गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। मसाले डालने से पहले गैस का फ्लेम कम कर लेंगे। अब इसमें हम सूखी लाल मिर्च डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी डालेंगे। अब इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। इसमें हम लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, इन दोनों को भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च को भी हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। प्याज को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि वो जले नहीं। 10 मिनट हमारा हो चुका है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हम ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हमारा हो चुका है। टमाटर को फिर से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम छोले मसाला डालेंगे। छोले मसाला को भी हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हम फिर से 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। 5 मिनट हमारा हो चुका है। टमाटर को हम एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम छोले डाल लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा छोला बचा लूँगी और इसे इस तरीके से मैश करके डालूँगी। मैंने इस छोले को इस तरीके से मैश कर लिया है ताकि ग्रेवी गाढ़ी बने। इसे भी मैं डाल लूँगी। अब छोले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैं वही पानी डाल रही हूँ जिसमें मैंने छोले उबाले थे। ये पानी डालने से छोले स्वाद बनते हैं। अब हम पानी मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी आधा पानी डाला है, आधा बाद में डालूंगी। अब इसमें मैं नमक डालूंगी। याद रखें नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि हम पहले भी 2 बार नमक डाल चुके हैं। हो सके तो छोले को एक बार टेस्ट कर लें उसके बाद नमक डालें। अब इसमें मैं दोबारा पानी डाल लूंगी। छोले को हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। 5 मिनट हमारा हो चुका है। इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद फिर से हम 1 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि कसूरी मेथी का स्वाद छोले में अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 मिनट हमारा हो चुका है। अब हम छोले को एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब छोले को हम 1 मिनट के लिए फिर से ढक के पका लेंगे। ये छोले हमारे अब पूरी तरह पक चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम धनिया पत्ता डाल लेंगे।
धनिया पत्ता को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे हमें सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। अब ये छोले हमारे खाने के लिए तैयार हैं। इसे हम भटूरे, पराठे या जीरा राइस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें।